नमस्ते आप में से कितने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2016 और 17 काफ़ी सारे ओके मेरा यहाँ यहाँ आने का पर्पस ही यही था कि दिस वाज माय लास्ट अटैम्प्टस्थ अटैम्प्ट और यही मैं सोचता रहता था कि इज़ इट वर्थ इट इतना टाइम लग गया यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इज़ इट वर्थ इट और नॉट पास होने के बाद लगता है यस yes, बिल्कुल वर्थ है जो खुशी मिलती है जो रिकॉग्निशन मिलता है और सबसे बड़ी बात जो हम करना चाहते हैं वो यू नो इच्छा पूरी हो जाती है तो इट इज़ वर्थ इट लेकिन क्या इतना टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से इससे कम टाइम में किया जा सकता है काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे और काफ़ी अभी के टॉपर्स भी हैं जिन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में भी क्लियर किया है लेकिन उनकी पढ़ाई सिर्फ एक साल की नहीं है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं ज़रूरी नहीं कि उनकी पढ़ाई सिर्फ एक साल की है ज़्यादातर वो हिडन रहता है उनकी पढ़ाई हो जाती है ट्वेल्थ से स्टार्ट हो जाती है या ग्रेजुएशन में एटलीस्ट वो शुरू कर देते हैं तो बच्चों को काफ़ी बार लगता है यार फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया यार ये तो सुपर लेकिन ऐसा होता है कि उन्होंने भी मेहनत की है तीन चार सालों वाली पर अवेयरनेस जो रहती है ना वो थोड़ी सी उनको पहले रहती है और जनरली यहाँ पर बच्चों को जब ग्रेजुएशन करते हैं उनको पता नहीं रहता सिविल सर्विसेज़ क्या है उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है और ग्रेजुएशन के बाद ये सब शुरू होता है तो इसके कारण टाइम बहुत लग जाता है उसके बाद गाइडेंस कौन दे कैसा दे तो यहाँ पर चूक हो जाती है तो मेरा पर्पस यहाँ पर आने का यही था कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्लियरली पता हो कि कैसे पास की जाए ये एग्ज़ाम और कैसे कम टाइम में की जाए जो गलतियाँ मैंने करी या मेरे तरह मेरे फ्रेंड्स ने करी जिनको टाइम लग गया था और जो गलतियाँ उन लोगों ने नहीं करी जो वाकई में टॉपर्स हैं जो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में फटाफट फड़ क्लियर हो जाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूंगा। इट विल टेक 15 मिनट्स लेकिन आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और बिलीव मी बिलीव मी मुझे पूरा भरोसा है उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को और मुझे लगता है और uh, यहाँ पर जो प्रेम्स मेंस और इंटरव्यू तीन स्टेजेस हैं उनमें प्रेम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से प्रेम्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है अप्रॉक्स दस लाख रजिस्टर करते हैं जिनमें से पाँच लाख एग्जाम देने आते हैं पाँच लाख में से बीस हज़ार सेलेक्ट होते हैं मेन्स लिखने के लिए बराबर है और इंटरव्यू देने के लिए बीस में से तीन सिलेक्ट होते हैं राइट और फ़ाइनल लिस्ट में एक हज़ार आते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए सी सेट एप्टीट्यूड थोड़ा हिसाब लगा लीजिए पाँच लाख में से सिर्फ बीस हज़ार अप्रोक्स करिए पच्चीस में से एक बच्चा ठीक है बीस हजार में से तीन बराबर सात बच्चों में से एक बच्चा फिर इंटरव्यू में तीन हजार में से एक हज़ार निकलते यानी तीन बच्चों में से एक बच्चा यानी अगर हम इंटरव्यू पहुंच जाते तो तीन में से एक तो पक्का ही है तो चांसेस बढ़ गए ना पास होने के लेकिन प्रिलिम्स में बहुत कम चांसेस होते हैं दूसरा ये कि प्रिलिम्स में बच्चे जब फेल हो जाते हैं जब नापास होते हैं तो पूरा एक साल लगता है अगले प्रिलिम्स आने में लेकिन अगर प्रिलिम्स में पास हो गए तो इमीजिएटली साढ़े तीन चार महीने में मेंस में आती है इमीजिएटली उसके बाद इंटरव्यू आता है पूरा एक साल का प्रोसेस कम कंटिन्यूसली चलता रहता है तो बच्चे की पढ़ाई चलती रहती है लेकिन जब प्रिलिम्स फेल हो जाता है बच्चा तो पढ़ाई छूट जाती है कोई थोड़ा टाइम घर चला जाता है कोई रोता धोता रहता है तो उसमें थोड़ा यू you नो know, मै वो हो जाता है छूट जाती है पढ़ाई छूट जाती है और एक बार पढ़ाई छूट गई एक बार आप प्रोसेस से बाहर आ जाते हो ना तो फिर वास, वापस प्रोसेस में आने में ना टाइम लग जाता है ये बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता है तो मेरा पूरा फोकस ये रहेगा आप सबको बताने का कि प्लीज़ प्लीज़ प्रम्स पे फोकस करिए सबसे ज़्यादा फोकस प्रलिम्स पे करिए आप मेंस के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पेपर यहाँ पर क्या हुआ पहले तो एग्जाम तो सब दे रहे हैं कम पढ़ते हैं बच्चे बाकी के पेपर्स पढ़ते होंगे फिर न्यूज पेपर तो पढ़ते ही हैं मेंस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका मिल जाएगा लेकिन और मेंस में आंसर जब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल एस का पेपर है तो किसी ने न्यूज़ पेपर नहीं भी पढ़ा होगा उसकी सोच अच्छी होगी उसका एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लिख कर ही आएगा वैसे ही एथिक्स के पेपर में लिख कर ही आएगा इनफैक्ट पेपर टू और पेपर थ्री जो कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ज़्यादातर हैं जिसमें उसमें भी आप कुछ ना कुछ लिख कर ही आओगे एजुकेशन पे अगर कुछ आ रहा है तो आप लिख कर आओगे हेल्थ पे कुछ आ रहा है तो आप लिख कर आओगे लेकिन इशू ये हो जाता है प्रीलिम्स में आपको चॉइस दी रहती है या तो आपको वो चॉइस आ रही है या तो नहीं आ रही है इधर और ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है बच बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स ज़्यादा ईजी है मीनस ज़्यादा डिफिकल्ट है राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे उस राइटिंग प्रैक्टिस का है कि नहीं तो इसीलिए पूरा फोकस सबसे पहले आप प्रियम्स पर लगाइए इट विल इट वॉन्ट टेक मोर देन फोर एंड हाफ मंथ्स चार साढ़े चार पाँच महीने से ज़्यादा नहीं लगता है सर आप सर आपको डेफिनेटली बताया होगा सर ने इस क्लासेस में लेकिन वो ज़रूरी है पहले करें ताकि हम एक सिक्योर हो जाएँ कि हम हाँ पक्का प्रिलियम्स पास हो रहे हैं और पक्का मेन्स लिख रहे हैं ठीक है यहाँ तक ठीक है प्रिलियम्स के लिए सब दे रहे हैं ना एग्ज़ाम 2016 थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन कितने लोग दे रहे हैं काफ़ी बच्चे दे रहे हैं और 2017 तो चलो ओके okay. <laughs> काफ़ी बच्चे फिर से भी दे सकते हैं होप सो ऐसा ना हो प्लीज़ फोकस करना प्रिलिम्स में दो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखेगी कुछ पांच सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम अच्छे से करें और दूसरा टेस्ट सीरीज उनको हम अच्छे से करें देखिए आपको एकलव्य और अर्जुन की कहानी पता होगी राइट एक बार जैसे अभी यहाँ पर लाइट चली गई थी एक बार अर्जुन और जो भी उनके स्कूल मेट्स हैं द्रोणाचार्य के यहाँ रहते थे पहले तो है ना ऐसा अभी जो स्कूल सिस्टम है वैसा नहीं था पहले रेसिडेंशल था गुरुकुल था राइट तो वहाँ पर वहीं सब रहते थे बच्चे वगैरह सब तो कैंडल्स चलती थी खाना वाना खा रहे थे बैठ के वो बन बनाना पील में वो क्या बोलते हैं उसे बनाना का पत्ता था ना जिसमें खाना खाते हैं कभी हम शादी वादी में गए तो।, तो उसमें खा रहे थे खाना तो तेज़ हवा आई बुझ गया कैंडल वैंडल बुझ गया पूरा अंधेरा हो गया पर बच्चे तो खाना खाने में लगे ही थे और जब तक गुरु द्रोणाचार्य ने कैंडल वैंडल जलाई तब तक बच्चे पूरा सफा चट कर चुके थे खाना खा चुके थे बढ़िया मज़े से तो अर्जुन ध्यान दे रहा था अर्जुन ने रियलाइज़ किया कि यार बच्चों ने खाना खा लिया अंधेरे में भी लेकिन वो जो बनाना प्लेट थी ठीक है वो जो पत्ता था बड़ा उसमें से किसी ने बाहर नहीं गिराया हो सकता था ना कि आ, दाल गिर जाए सांभर गिर जाए इधर उधर तो गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि भाई ये कैसे हो गया बच्चों ने ऐसा क्यों किया तो गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि आप रोज़ खाना खाते हो उसी उसी प्लेट में उसी बनाना प्लेट में रोज खाते हो वैसे ही खाते हो तो आपने इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर दिया इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि अब आप वो आँखें बंद करके भी आप कर सकते हो फिर लाइट हो या ना हो कहने का तात्पर्य यह, यह है कि फिल्मस हो या मेन्स हो स्पेशली फिल्मस में इतना प्रैक्टिस चाहिए इतना बार रिविज़न करना है ताकि जैसे ही ऑप्शन आए कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं फिल्म में उसमें ऑप्शन देखकर हमको समझ में आ जाए कि नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत है नहीं यार ये तो बिल्कुल सही है ये कब होगा जब हम बार 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 प्रैक्टिस करेंगे रिवाइज़ करेंगे है, बुक्स में बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है वो सर भी बताएंगे कोई भी बताएगा लेकिन ज्यादा बार रिवाइज करना ये सब लोग भूल जाते हैं दूसरा एक एक की भी कहानी है कि ऑब्वियसली सबको पता है कि उनको एडमिशन नहीं मिला था द्रोणाचार्य के स्कूल में राइट तो क्या किया उन्होंने फिर क्या किया आ, राइट सेल्फ स्टडी की घर पे ही अपने ही जंगलों में जाके खुद ही तीर चलाएंगे खुद ही वो बनाएंगे थोड़ा सा देख लेते थे जैसे आजकल कल मोनाल डॉट ओ आर जी पर वीडियोस अवेलेबल है <laughs> वैसा देख लेंगे और घर पे जा प्रैक्टिस की बहुत सेल्फ स्टडी की तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा चाहिए हम अतुल सर हम जो यहाँ पर आपको थोड़ा गाइड कर रहे हैं हम आपको गाइड कर सकते हैं घोड़े को घास या पानी तक ले जाया जा सकता है पानी और घास उसको खुद ही खाना पड़ेगा आपको खुद ही खुद ही पढ़ना पड़ेगा लाइब्रेरी में बैठ के शांति से छः सात आठ घंटे जो भी आप कर सकते हो खुद ही रोज ओके तो ये सेल्फ़ स्टडी और रिविज़न बिल्कुल नहीं भूलोगे आप कुछ भी हो जाए आज से आप ये तो लेकर जाओगे यहाँ से अब आते हैं पिलम्स की पढ़ाई प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को मुझे भी हुआ था पिलम्स फेल हुआ हूँ मैं तीन बार फेल हुआ हूँ फिल्म्स तो मुझे पता है कि फ़ेल क्यों हुआ था मैं और पास क्यों हुआ हूँ बुक्स हैं अब उन बुक्स को पढ़ें और उन बुक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन बुक्स को ही क्यों पढ़े और बाकी बुक्स को क्यों ना पढ़ें और कितनी बार उन बुक्स को पढ़ें और उनका फ़ायदा क्या होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पाँच मैंने बोला था शुरू में कि पाँच चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें ताकि ऐसा ना हो कि बाकी जो लोगों को आंसर आ रहा है बाकी जो कैंडिडेट्स को आंसर आ रहा है वो हमें नहीं आ रहा है अगर ऐसा होगा ना तो पक्का हम फेल हो जाएंगे हाँ ऐसा होता है काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट आते हैं या कन्फ्यूजिंग होते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं आते कुछ ही बच्चों को आते चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा कोई बात नहीं बीस हज़ार सीट्स है प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स पास होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सबको आ रहा है वो हमको नहीं आ रहा है या जो एटलीस्ट बीस हज़ार बच्चों को आ रहा है वो हमको नहीं आ रहा है ठीक है पॉलिटी सर ने बताया होगा क्लास में बताया होगा लक्ष्मीकांत इज़ दी बेस्ट बुक आप लक्ष्मी अब आप जस्ट नोट डाउन करिए क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होगा बिलीव मी आप भरोसा करिए ठीक है पॉलिटी लक्ष्मीकांत में से पढ़िए आपने क्लासेस की है अब आप, आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत में भी जो टेबल्स होती हैं कि, कितने लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं यहाँ पे सभी करते हैं चलो अच्छी बात है ये तो लक्ष्मीकांत में टेबल्स दी रहती हैं टेबल्स इतनी अच्छी तरह से करिए आप इतनी अच्छी तरह से करिए क्योंकि टेबल्स में ही सार है सबका टेबल्स में क्लियरली समझ में आता है क्या डिफरेंस है ऑर्डनरी बिल में मनी बिल में पढ़ा हुआ है ना लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत हाँ पढ़ा है ना एग्जाम्पल समझ में आएंगे ऑर्डनरी बिल मनी बिल अगर मैं दूंगा तो टेबल्स रहती है लक्ष्मीकांत में उसमें सब समझ में आ जाएगा उनको बहुत अच्छे से फोकस करिए लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर अच्छे से पढ़िए देखिए फिल्म में अठारह क्वेश्चन सौ में से अठारह क्वेश्चन अगर पॉलिटी में से आ रहे हैं कितना हुआ एटीन परसेंट एट टेन परसेंट अराउंड वन फिफ्थ बराबर है कि नहीं अगर वो अट्ठारह क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ के अठारह के अठारह सॉल्व कर सकता हूँ तो इससे बेहतर क्या हो सकता है हम सारा साल न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे इम्पोर्टेंट है लेकिन उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे आपने इतना सारा पढ़ लिया है रिवाइज एकदम कम किया है तो सॉल्व नहीं कर पाते लेकिन लक्ष्मीकांत एक बुक है उसको बार बार पढ़ने से क्वेश्चन हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं आप आपको अगर यकीन होगा हो रहा होगा मेरी बातों का तो आप घर पे जाकर पास ईयर क्वेश्चंस चेक करिएगा और फाइंड आउट करिएगा कि ये लक्ष्मीकांत में कहाँ पर है आपको डेफिनेटली मिलेगा ठीक है उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी है एनसीआर अच्छी है कोई भी पढ़िए मैं प्रेफर करता था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बाय राजीव वही आई ऑफिसर वो बहुत बढ़िया बुक है स्पेशली उसमें हर चैप्टर के पीछे समरी दिया हुआ है आप उस समरी का जेरोक्स अलग से अपने पास रखिए बुक में रहने दीजिए उस समरी का जरॉक्स अपने पास रखिए उसको बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको एक प्रोडिक एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी ठीक है मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पैपटॉक जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं जो यू you नो know, आपका यू you नो know, मनोबल बढ़ाएँ ऐसी स्पीचेस हम देंगे टॉपर्स देंगे लेकिन प्रैक्टिकल जो है बच्चों बच्चे यहाँ से सुन के चले जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल जब वो पढ़ाई करने बैठेंगे ना तब उनको बहुत दिक्कत आएगी तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली वही बता रहा हूँ जो आपको इस एग्जाम में 2016 प्रीलिम्स में और 2017 प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम करें मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी है अगर सात आठ क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली छः आठ में से छः उसमें से हो ही जाएंगे अच्छे से पढ़े तो ओके फिर आता है एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है उसका एक सेक्शन है इकोलॉजी वो करे आ, उस, उस अगर वो नहीं करना है लोगों को तो आई की नाइन्थ और टेंथ की किताब आती है वो करें इन दोनों में से कोई भी कर लिया एटलीस्ट बेसिक इन्वामेंट अच्छे से होगा ठीक है उसके अलावा करंट्स आता है आपको वो न्यूज़पेपर में से करना पड़ेगा फोर्थ जोग्राफ़ी जोग्राफी के लिए सिक्स टू ट्वेल्थ एन अनिवार्य है अच्छे से करना है धीरे धीरे करना है उसमें जो कि किसने देखी है ना बच्चों आपने देखी होगी सिक्स और सेवन्थ की एन देखिए कि सीधा एलेवन ट्वेल्थ की उठाते हो सिक्स और सेवन की उसमें वो बंटी बबलू वो आ, वो कार्टून फिगर्स रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कभी उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपके एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे कि यार ये क्वेश्चन हमें हम हमने क्यों नहीं सोचा पर वो आपको सोच के दे रहे हैं ताकि आप उस पर सोचें और फिर आंसर निकालें और आप बिलीव नहीं करोगे आप क्वेश्चन देखोगे ना यू में उनमें से क्वेश्चन है आप बिलीव नहीं करो आप एक बार चेक तो करिए जाकर ठीक है तो ज्योग्राफी की सिक्स टू ट्वेल्व एन जरूर करेंगे यानी जरूर करेंगे ठीक है मैपिंग पे ध्यान देंगे आप मैपिंग पे आज चल आठ आठ क्वेश्चन आ रहे हैं आठ क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं और मैपिंग एक बार पढ़ा हुआ है तो इमिजिएटली अगर याद आ गया एशिया में सीरिया कहाँ पर है म्यांमार कहाँ पर है कैसे जुड़े हुए हैं ठीक है स्पेशली एशिया का मैप तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैपिंग एशिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे इंडिया एज वेल एज एशिया ठीक है के सिद्धार्था की बुक आती है वर्ल्ड मैप पे और प्रेम पटेल की बुक आती है इंडियन मैप्स पे वो आप रेफर कर सकते हैं मैपिंग इजी हो जाएगी ठीक है पांचवा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में शंकर गणेश आई ऑफिसर है उनकी बुक है स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए शंकर गणेश बहुत अच्छी है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं मैं उनको कहूँगा रोनाडो टू आर जी पे वीडियोज़ हैं या सर सर ने सर की क्लास में बढ़िया हो जाता है तो कहीं पर भी आप पढ़िए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पंद्रह क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने क्या सब्जेक्ट्स बताया मैंने पांच सब्जेक्ट्स बताया आपको पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट एंड जोग्राफी कुछ भी हो जाए आप पहले ये पांच सब्जेक्ट अपने हाथ में रखिए ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये अगर नहीं आ रहे हैं तो हम पक्का फ़ेल हो जाएंगे बाकी आए नहीं आए ठीक है ये नहीं आ रहे तो पक्का पक्का फ़ेल होंगे तो ये पाँच सब्जेक्ट अच्छे से करिए मैंने आपको बुक्स बताइए मैंने आपको ये भी बताया कि उन बुक्स को कैसे पढ़ें पॉलिटी में टेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा ध्यान दें ज्योग्राफी में वो जो क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें ठीक है ये पहला रूल दूसरा रूल है टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है यू नो काफ़ी बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फियरफुल हो जाते हैं ऑस्ट्रिच देखा ऑस्ट्रिच एक बर्ड रहता है ऑस्ट्रिच चलता है लेकिन अगर उसके सामने कुछ भी यू नो बड़ा जानवर आ गया जिससे उसको खतरा है तो अपनी वो मुंडी क्या बोलते हैं छचंदर क्या बोलते हैं उसे चित्रमुर्ग क्या बोलते हैं सर हिंदी में ऑस्ट्रिच को चतुरमुर्ग हाँ हाँ वो हाँ वही वो मुंडी घुसा देता है डर ये डर गया अंदर ऐसा नहीं करना है ये जनरली बच्चों में मैंने देखा है मुझ में भी था बिलीव मी टेस्ट कब देना है यार एक बार पूरा बुक कंप्लीट हो जाए एक बार पढ़ लूँ उसके बाद टेस्ट देना है ये ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ये वो हम ना पोस्टपोन कर दें चीज़ें क्योंकि हम डरते हैं हमें डर लगता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप टेस्ट सीरीज़ आज से स्पेशली 2016 में दे रहे हैं आज से रोज़ 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करिए पास ईयर पेपर में से करिए सर के सिनर्जी के टेस्ट सीरीज़ लीजिए इनसाइट ऑन इंडिया डॉट कॉम के मार्केट में टेस्ट सीरीज़ अच्छे अवेलेबल हैं वो कम से कम 30 क्वेश्चन करिए तीस क्वेश्चन रोज करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पर हो रही है और जमीन पे रहेंगे हवा में उड़ जाएंगे नहीं तो यार पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरा बुक हो गया दो बार तीन बार हो गया यार हो गया बस मेरा तेरा कितनी बार हुआ यार मैं तो कम्प्लीट नहीं हुआ है बुक कम्प्लीट करना डजेंट मीन कि आपका सब्जेक्ट कम्प्लीट हो गया टेस्ट में अच्छे नंबर आना उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं वाकई में ठीक है तो आज दो रूल आप जरूर यहाँ से सीख कर जाएंगे एक तो वो पाँच बुक्स या पांच सब्जेक्ट जो मैंने बताए आप बिल्कुल उन बेसिक बुक्स पे फोकस करेंगे और दूसरा जो टेस्ट सीरीज़ है आज ही आप जो भी टेस्ट सीरीज़ है अच्छे अच्छे लगाएं अगर नहीं लगा पा रहे तो उनके पेपर्स अपने पास अरेंज करें कहीं से भी और रोज़ तीस क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम तीस क्वेश्चन करें क्योंकि कुछ अस्सी पिछहत्तर अस्सी दिन बचे हैं अगर थोड़े ज़्यादा दिन होते तो मैं बोलता कि दस पंद्रह बीस करिए तो थोड़े ज़्यादा करिए टू वाले टू वाले आराम से बीस बीस कर सकते हैं रोज़ ठीक है ये दो चीज़ें उसके अलावा मैंने बताया आप एक ही चीज़ को बार बार आप रिवाइज करेंगे बार बार रिवाइज़ करेंगे ताकि अर्जुन जैसा फ़ोकस आ जाएगा और सेल्फ़ स्टडी लाइब्रेरी में बैठ के क्लास में आप सीख लें जाके लेकिन उसके बाद अपने घर में रूम में जाइए लाइब्रेरी में जाइए कहीं पर भी जाइए बैठ के सेल्फ़ स्टडी करिए उसी चीज़ को पढ़िए इतमान से पढ़िए शांति से पढ़िए कर सकते हैं देखिए मैं बता रहा हूँ ये मेरा सिक्स अटैम्प था सी भी दिया है मैंने और ग्रेजुएशन भी दिया और स्कूलिंग तो ऑब्वियसली की है सब ने की है और हम सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि यार स्कूल में भी फेल हो रहे हैं टिकेट नंबर कम आ रहे हैं ट्वेल्थ यार बहुत डिफ़िकल्ट है टेंथ वो ट्वेल्थ फिर ग्रेजुएशन आ गया फिर चलो ग्रेजुएशन तो आजकल वो शार्प नोट्स आते हैं तो फटाफट हो जाते हैं जिसका कॉमर्स होगा उसके बाद सी में आ गया तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है बराबर है वो भी पार कर लिया और उसके बाद यूपीएससी भी पार कर लिया पहले वो भी लग रहा था यार कितना डिफिकल्ट है मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि हम सब में है वो यू नो बात जो पोटेंशियल बोलते हैं ना जो एबिलिटी बोलते हैं वो है कि हम कर सकते हैं दिक्कत यह कि हम खुद को चैलेंज नहीं करते ना ही हमको कोई चैलेंज नहीं करता कि भाई एक बार किसी ने चैलेंज करके कि तू करके दिखा रखे तू चढ़ के दिखा इस पर किसी ने कर दिया चैलेंज तो हम कोशिश पूरी लगा देते जान लगा देते चढ़ने के लिए लेकिन जब तक कोई चैलेंज नहीं करता फिर हम चढ़ते नहीं हैं बराबर है, है कि नहीं तो ये चैलेंजेस हैं ये चैलेंजेस आपको ऊपर लाएंगे ये जो यू की जो प्रोसेस है ना बिल्कुल ऊपर लाएगी मैं जब सी इंटर में था तो मैं आ, सर के पास आया था अतुल सर के पास सर को शायद याद नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो हमारे सी जब हम सी इंटर यानी सी ए पास होते हैं और सी फाइनल की एग्ज़ाम होती है उसमें तीन साल होता है गैप और तीन साल में हमको आर्टिकल शिप करनी पड़ती है तो मैंने कहा यार बहुत टाइम है तीन साल तो चलो यू करते हैं तो अतुल सर के पास आया था तो सर ने बोला कि क्या प्लान है क्यों करना चाहते हो ये वो तो मैंने बोला कि सर ये ऐसा है तीन साल है सर ने सुना सुना सर समझ गए कि ये तो फिर सर ने बोलना शुरू किया कि तुमने क्या समझ के रखा है यूपीएससी को ऐसा ही हो जाता है क्या तुम्हारे जैसे लोग आ जाते हैं यू करने ये वो मेरे कह रहे रे क्या बम हो रहा है घर <laughs> पे गया अरे बाप रे बाप मेरे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे यार क्या हुआ किसने क्या बोल दिया तुझे मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया यार तो बड़ा उदास निराश हो गया था लेकिन आज मुझे वो बात रियलाइजेशन होती है कि वो सही था सिंसियर एफर्ट्स और ऑनेस्टी अपने पढ़ाई के प्रति कि ये गोल है देखो डिफ़िकल्ट नहीं है मैं ये नहीं बोलूँगा ये रॉकेट साइंस है जोग्राफी यार बच्चे पढ़ रहे हैं यार ट्वेल्थ क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं सिक्स टू टेन वो हमको पढ़नी पड़ रही तो क्या डिफिकल्ट है क्या नहीं है डिफ़िकल्ट नहीं है बिलीव मी लेकिन वास्ट बहुत है इतना वास्ट है ना इतना वास्ट है कि आप एक सब्जेक्ट उठाते हो जब दूसरा ख़त्म करते हो तीसरा खत्म करते हो तो पहला भूल जाते हो <laughs> तो ऐसा होता है तो आपको कंटिन्यूसली उसको बार बार रिवाइज 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 करते रहना ताकि हमको याद रहे इतना वास्ट सब्जेक्ट्स तो आराम से बैठ के लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करेंगे बार बार रिवाइज करेंगे और छोड़ेंगे नहीं ज़िद पकड़ लेना करना है करना है करके रहेंगे बस ये एक जिद अपने पास रेडी रखना कोई कुछ भी बोले नहीं यार मुझे करना है मैं कर लूँगा मुझे पता है सपने so कर लिए एक हज़ार बच्चे कर लेते हैं यार हर साल क्यों नहीं कर सकते हम आप ठीक है तो बस आप ये ध्यान में रखिए अगर आप इनमें आप बच्चों में से कुछ पाँच या दस बच्चे भी अगर प्लेम्स पास हो जाते हैं मेरी ये बात सुन के तो आई थिंक कि चलो फ़ायदा हो गया कुछ ओके चलो थैंक यू नमस्ते